गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी फिश का वीडियो लेना था मेरे को, जो है फिश हमने बोनी फिश करवा के बीच में रोक दी थी, जो है फिश को जो है तो एम्फीबिया हो गए थे लेकिन फिश बीच में रुक गई थी जो है, तो बोनी फिश के बारे में बता रहा हूँ जो है। बोनी फिश सबसे पहले कार्प क्या होती है, कोई तुम्हारे से ये पूछे कार्प होती क्या है तो क्या जवाब दोगे, हम बोलेंगे जिसके हेड या सिर पे स्केल ना हो और मुंह के अंदर टीथ ना हो उसको कार्प बोलते हैं। कार्प का मतलब होता है नो स्केल ऑन हेड एंड नो टीथ इन जॉ। अगर हेड के ऊपर स्केल ना हो और मुंह के अंदर टीथ ना हो तो उनको कार्प बोलते हैं। कार्प आर टू टाइप्स, एक होती है मेजर कार्प, एक होती है माइनर कार्प। इसमें ग्रोथ रेट स्लो होता है, धीरे बढ़ती है, ग्रोथ रेट इज स्लो, सो दीज आर स्मॉल। छोटी होती है, ग्रोथ रेट धीरे होता है, उल्टा भी है। माइनर कार्प में ऐसा होता है, मेजर कार्प जो होती मेजर मेजर बड़ी, माइनर तो छोटी, इसमें ग्रोथ रेट फास्ट होता है, ग्रोथ रेट इज फास्ट एंड लार्ज इन साइज। कार्प वो होती है जिसके ऊपर जिसके अंदर दांत नहीं होते और ऊपर स्केल नहीं होते हेड के ऊपर, छोटी हो तो माइनर कार्प बोलते, बड़ी हो तो मेजर कार्प बोल देते। मेजर कार्प का एग्जाम्पल और माइनर कार्प का एग्जाम्पल, मेजर कार्प जो है इसके एग्जांपल है लेबियो रोहिता, लेबियो काला बसु, काल बसु, कैटला कैटला, और माइनर कार्प का एग्जाम्पल है लेबियो बटा। यानी मेन तो लेबियो की स्पीसीज है और कैटला कैटला है, इन्हीं को कार्प बोलते हैं। कार्प का मतलब लेबियो फिश भी आ गई और कैटला कैटला फिश भी आ गई, तो इन फिश को ही हम कार्प बोलते हैं, बड़ी कार्प छोटी कार्प। तो मैं पहले कुछ बातें बताऊंगा इन कार्प के बारे में, जो कार्प की क्या क्या खास बात होती है। तो हम बोलेंगे लेबियो रोहिता ले रहा हूं पहले मैं, जो है लेबियो रोहिता जो होती है इसको रोहू बोलते हैं, लेबियो रोहिता को रोहू भी बोलते हैं जो है, और ये प्लैंकटिवोरस होती है, प्लैंकटिवोरस और हर्बीवोरस, जब ये अडल्ट हो जाती है तो हर्बीवोरस होती है, जो अर्ली स्टेज में जो होती है शुरू में छोटी होती है, जब लेबियो रोहिता तो प्लैंकटोन को खाती है, प्लैंकटोन बोलते हैं जो पानी में बह जाए, पानी के बहाव के साथ कोई चीज बह जाए तो उसको प्लैंकटोन बोलते हैं, सॉरी छोटी चीज होती है पानी के सरफेस पर होती है प्लैंकटोन, पानी के बहाव के साथ बहती तो है लेकिन प्लैंकटोन दो टाइप की होती है, फोटोसिंथेसिस करे तो फाइटोप्लैंकटोन, फोटोसिंथेसिस ना करे तो जूट प्लैंकटोन, नहीं होता ना। प्लैंकटोन वो होते हैं जो पानी के बहाव के साथ बह जाए, तैरे तो उसको नेक्टोन बोलते हैं, तो प्लैंकटोन जो होते हैं उनको खाती है, जो फोटोसिंथेसिस करे उनको फाइटोप्लैंकटोन बोलते हैं, डायटम वगैरह वो जो, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करे इंसेक्ट के लार्वा वगैरह उनको जूट प्लैंकटोन बोलते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें प्लैंकटोन अगर फोटोसिंथेसिस करे तो फाइटोप्लैंकटोन, फोटोसिंथेसिस ना करे तो जूप्लैंक्टोन, फोटोसिंथेसिस करे तो फाइटोप्लैंक्टोन, फोटोसिंथेसिस ना करे तो जूप्लैंक्टोन। तो इसका मतलब जूप्लैंक्टोन में तो इंसेक्ट के लार्वा वगैरह हो देखता है, कार्निवोर्स भी हो गई भाई, प्लैंकटोन को खा रही है, प्लैंकटोन अगर कोई इंसेक्ट के लार्वा है तो कार्निवोर्स भी होगी, लेकिन अडल्ट में हर्बीवोर्स होती है, हर्ब्स को खाती है, एल्गी वगैरह को खा लेती है, छोटे प्लांट को खा लेती है, क्योंकि फ्रेश वाटर की है ना रो, तो फ्रेश वाटर की फिश है रो,
फ्रेश वाटर की फिशर हो, खासी क्या है, फ्रेश वाटर की फिश है रोहू, तो हर्बीवोर डाइट में तो या तो खाएगी एल्गी को, या खाएगी एल्गी को, या खाएगी किसको, प्लांट को भी खा लेती है जो, लेकिन अर्ली स्टेज में प्लैंकटोन में कोई जो है इंसेक्ट लार्वा भी हो सकता है जो। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में वीडियो बीच में चल रहा है जो। अच्छा, और लेब्योरोइटा की कोई खास बात, लेब्योरोइटा में और क्या क्या होता है? तो हमने कहा इसमें स्टमक नहीं है, अरे भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ बीच में चल रहा है जो। तो मैंने सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस हुई है आपकी जो काफी ज्यादा। तो लेब्योरोइटा में स्टमक नहीं होता है और इनके अंदर लिप्स होते हैं, आईलिड भी नहीं होते, लिप्स प्रेजेंट है, आईलिड नहीं है इनके अंदर। लेबियो के अंदर दो बार्बल होते हैं जो, लेब्योरोइटा में दो बार्बल होते हैं जो। तो पहले मैं लेब्योरोइटा के बार्बल के बारे में बताता हूँ जो है। लेब्योरोइटा में बार्बल जो है, बार्बल का काम होता है चीजों को टेस्ट करना, टेस्ट बड़ होते हैं इसलिए टेस्ट करते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बार्बल जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, बाल जैसे होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। और बार्बल का मीनिंग ही होता है बियर्ड, बार्बल वर्ड का मतलब होता है बियर्ड, दाढ़ी, जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं उस तरह बार्बल्स भी हेयर लाइक होते हैं जो। और बार्ब, ये बार्ब वर्ड से आया, बार्बल का मतलब हेयर भी होते हैं, दाढ़ी के हेयर बाल जो होते हैं उस तरह से बार्बल है। और जो पक्षियों में पंख होते हैं उसमें भी बार्ब होते हैं, वो भी हेयर लाइक होते हैं, पक्षियों में पंख में भी बार्ब होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। तो बार्बल क्या चीज होती है, मछलियों में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और जीभ का काम करती है, टंग का काम करती है। फिश में बार्बल फिश में होती है, हेयर लाइक होती है और टंग या जीभ की तरह से काम करती है, टेस्ट पता लगाती है फूड का कि फूड को अंदर लेना है या नहीं ले, टेस्टी है या टेस्टी नहीं है जो। अच्छा, इसलिए इसको बियर्ड वर्ड आया है बार्बल्स के लिए। बार्बल्स जो होते हैं, ये दो बार्बल बताए मैंने इनमें रो में, तो कार्प में बार्बल होते हैं लेकिन कैटला कैटला एक्सेप्शन है जिसमें बार्बल नहीं होते। कैटला कैटला फिश है इसमें बार्बल नहीं है, लेब्योरोइटा में दो बार्बल है, कैटला कैटला में बार्बल नहीं है, यानी कार्प फिश होती है, कार्प फिश में बार्बल है लेकिन कैटला कैटला एक्सेप्शन है जिसमें बार्बल नहीं है जो। बार्बल और कहां कहां होते हैं कार्प के अलावा? बार्बल कार्प में मिलते हैं, बार्बल कार्प में मिलते हैं लेकिन कैटला कैटला एक्सेप्शन है कि जो कार्प है लेकिन बार्बल नहीं है। दूसरा कैट फिश में मिलते हैं, जेब्रा फिश जो मोस्ट ब्यूटीफुल फिश होती है उसमें मिलते हैं, हैगफिश में भी मिलते हैं। बार्बल जो है यहां यहां मिलते हैं जो, नॉर्मली हर जगह बार्बल नहीं मिलते, कुछ जगह मिल रहे हैं, फिश में सभी जगह बार्बल नहीं है, कार्प में मिल रहे हैं, लेबियो के अंदर, लेकिन कैटला कैटला में नहीं मिल रहे, वो भी कार्प है। कैटफिश में मिलेंगे बार्बल्स, जेब्रा फिश जो सबसे ब्यूटीफुल फिश है उसमें मिलेंगे बार्बल्स, हैगफिश में मिलेंगे बार्बल्स, और कुछ जगह बार्बल का नंबर दो नहीं आठ आठ होता है जो। कैटफिश एक, क्लेरियास दूसरे, मिस्टस, ये दोनों ही कैटफिश है, इनमें एट बार्बल्स होते हैं। बार्बल्स जो हैं लेबियो में दो हैं, कैटला कैटला एक्सेप्शन है नहीं है, तो कार्प में मिल गए, जेब्रा फिश में मिल गए, हैगफिश में मिल गए। कैटफिश में बार्बल्स का नंबर आठ तक चला गया है दो की बजाय, क्लेरियास कैटफिश और मिस्टस कैटफिश,
बगैर स्केल की फिश होती है, पूरी बॉडी पर स्केल नहीं होते कैटफिश में जो, तो इन कैटफिश के अंदर 8-8 बाबल्स होते हैं। बाबल्स शरीर के किस हिस्से पर जुड़े होते हैं जो, बाबल्स जो जुड़े होते हैं कहां जुड़े होते हैं जो इन फिश में जो, तो मैं बोलूंगा बाबल्स मैंडिबल बोन के ऊपर हो सकते हैं। बार्बल्स जो हमारे शरीर के नीचे वाली मैंडिबल बोन है उसको मिल सकते हैं जो, हमारी हमारी बॉडी नहीं, फिश की मैंडिबल बोन में मिल सकते हैं। नीचे वाले जबड़े में एक बोन होती है, लोअर जा की बोन होती है मैंडिबल, उस पर मिल सकते हैं बार्बल्स। मैक्सिली बोन के ऊपर भी बार्बल्स हो सकते हैं जो। तीसरा, मैंडिबल बोन पे बार्बल हो सकते हैं, मैक्सिली पे हो सकते हैं, नेजल बोन के साइड में भी बार्बल्स हो सकते हैं जो, नेजल बोन जो है जो नोज है उसके साइड में भी बार्बल्स हो सकते हैं जो। और बार्बल कब आते हैं फिश के अंदर, कितनी एज की हो जाती है तो बार्बल्स आते हैं फिश के अंदर, तो बार्बल्स अपियर होते हैं, बार्बल्स अपियर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज या जुवेनाइल स्टेज, या तो फिश पैदा नहीं हुई थी तब भी बार्बल आ गए, यानी फिश बार्बल के साथ पैदा हुई है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बार्बल आ गए थे, या हो सकता है फिश छोटी थी तब उसमें बार्बल्स आए थे जो। तो इस तरह से बार्बल्स कहाँ होते हैं, लेबियो रोल्टा में है, लेबियो में है, कैटला कैटला में नहीं है, तो सारी कार्प में नहीं है, कैटला कैटला एक्सेप्शन है जिसमें बार्बल नहीं है, और सारी बोनी फिशेज जो है जो कार्प है उनमें मिल रहा है, लेकिन कैटला कैटला कार्प में नहीं मिल रहा है, और कैटफिश में भी मिल रहा है, और कैटफिश में तो 8-8 बार्बल्स मिल रहे हैं, यहाँ लेबियो रोल्टा में दो बार्बल मिल रहे हैं, यहाँ 8-8 बार्बल्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्प के अंदर, कार्प के अंदर वेब्रियन ऑसिकल मिलते हैं, कार्प के अंदर वेब्रियन ऑसिकल्स होते हैं, वो मैं अभी कराऊंगा, पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले इन सारों के वेब्रियन ऑसिकल अभी लूंगा मैं जो। कैटफिश जो है इसका, कैटला कैटला फिश जो है इसका दूसरा नाम है कतला या थैला, कैटला कैटला फिश का कॉमन नेम है, कॉमनली इट इज कॉल्ड कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ कैटला कैटला फिश इज कतला या थैला, मोस्ट कॉमनली ये फिशेस मिलती है। वैसे तो डेलिशियस फूड जो डेलिशियस फिश है वो डेलिशियस फिश जो डेलिशियस मतलब जो खाने में जो अच्छी लगती है जिसमें खा के खुश होते हैं हम जो, वो डेलिशियस फिश लेबियो रोहिता होती है, और कैटला कैटला को भी खाते हैं, कैटला कैटला को भी खाते हैं, लेबियो को भी खाते हैं जो, ये फ्रेश वाटर फिश है जो, और हम बोलते हैं तीन फिश है जिनको पोंड में एक साथ तुम डाल सकते हो जो, कौन कौन सी, ये पोंड है, ये पोंड है, पहली फिश तो ये है, ये दूसरी फिश ये है, दो हो गई, और तीसरी फिश ये है, एक पोंड में एक साथ तीन फिश हम डाल सकते हैं जो, लेकिन सरफेस पे कौन सी मिलेगी तो हम बोलेंगे कैटला कैटला, कैटला कैटला इज सरफेस फीडर, कैटला 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 फिश जो है ये सरफेस फीडर है, पानी के सरफेस पे मिलती है जो। लेबियो रोहिता जो है, लेबियो रोहिता कैटला कैटला के नीचे मिलेगी जो, और तीसरे पे मिलती है सिल्हिना, सिल्हिना मृगायला,
ये बॉटम फीडर है, यानी पोंड के पानी के पोंड के पानी को एक साथ तीन फिश, पोंड का वाटर है उसमें एक साथ तीन फिश मिल सकती है जो, तो अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा फिश रहेंगी। अगर सारी सरफेस वाली डाल दोगे तो सरफेस में तो थोड़ी फिश रह पाएंगी, बीच वाला पानी और बॉटम वाला पानी तो यूज ही नहीं कर पाएगा कोई फिश। तो ये फिश जो है एक साथ लेबियो और कैटला कैटला दोनों को एक साथ डाल दिया। सिरिना अलग है, सिरिना फिश कार फिश नहीं है, लेकिन हम इसको पौंड में डालते हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं, एक साथ तीन फिश को एक पौंड में ग्रो करवाने को, कंपोजिट फिश फार्मिंग, कंपोजिट फिश फार्मिंग या कल्चर या पोली कल्चर, किसको बोलते हैं पोली कल्चर या कंपोजिट फिश फार्मिंग, कंपोजिट फिश फार्मिंग किसको बोलते हैं, मैनी फिश एट डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर आर ग्रोन एट वन टाइम, कई फिश अलग अलग लेवल पे, कई फिश है अलग अलग लेवल पे ग्रो की हुई है एक बार में, कई फिश अलग अलग लेवल पे ग्रो करते हैं तो कंपोजिट फिश कल्चर या पोली कल्चर बोलते हैं। तीनों फ्रेश वाटर की फिश है, दो इसमें कार्प है एक कार्प नहीं है, तीनों को हम खा सकते हैं। जो अगर क्वेश्चन चांसेस है पूरे तुम्हारे से पूछा जाएगा फ्रेश वाटर फिश का नाम बताओ जो खाई जाती है, और मैराइन वाटर की फिश बताओ जो खाई जाती है, एडिबल फिश जरूर पूछेगा, फ्रेश वाटर फिश की लिस्ट बनाओ जो खाते हैं। तो दो कार्प जिनको खाते हैं, लेबियो और कैटला कैटला, क्योंकि जब पानी में डाल रहे हैं खाने के लिए तो पोंड में डाला है वैसे थोड़ी डालेंगे, तो कैटला कैटला खाते हैं, लेबियो खाते हैं, इवन सिरहिना को भी खाते हैं, सिरहिना जो है इस फिश को भी खाते हैं। और इसके अलावा कैट फिश को भी खाते हैं। पोंड में, पोंड के अंदर किस किस को खाते हैं, लेबियो को, कैटला कैटला को और सिरिना को, इन तीनों को एक साथ उगाते हैं, तीनों को खाते हैं, कैट फिश को भी खाते हैं। कैट फिश बगैर स्केल की फिश होती है, शरीर पर स्केल नहीं होते हैं जो, लेकिन कैट फिश के नाम बहुत ज्यादा है, कई फिश को कैट फिश बोलते हैं, सबको खाते हैं, इनकी लिस्ट में बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी कैट फिश है जिनको हम खाते हैं और इनको कैट फिश बोलते हैं जो। अच्छा पहले मैं निकाल देता हूं कार्प के अंदर क्या मिलते हैं, ये कार्प नहीं है कैटफिश, नॉट कार्प, मैंने ये कहा है ये तीन कार्प है इनको खाते हैं और कैटफिश को भी खाते हैं, ये कार्प नहीं है लेकिन खाते हैं, इनके कैटफिश के बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने बताया कार्प के अंदर क्या मिलते हैं, वेब्रियन ओसिकल मिलते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं। ये चाहे कैटला कैटला हो या लेबियो रोहिता हो, जुलाई अगस्त में रिप्रोडक्शन करती है, लेबियो रोहिता भी कैटला कैटला भी जुलाई और अगस्त में रिप्रोडक्शन करती है, मतलब इनका महीना आने वाला रिप्रोडक्शन करने वाला, जून तो खत्म हो ही गया, जुलाई और अगस्त तो मतलब अगले महीने, इन दो महीनों में जो आएंगे इनमें लेबियो और कैटला रिप्रोडक्शन कर सकती है। कैटफिश को खाते हैं फ्रेश वाटर फिश से, बाद में बताऊंगा इनके बारे में, पहले मैं वेबरियन ओसिकल के बारे में बता रहा हूँ। वेबरियन ओसिकल्स इनको वेबरियन एपेटसिन बोलते हैं, वेबरियन एपेटस, ओसिकल हम बोलते हैं, तो वेबरियन ओसिकल कहां मिलते हैं, कार्प के अंदर मिलते हैं, वेबरियन ओसिकल कार्प के अंदर मिलते हैं। और वेबरियन ओसिकल जो कार्प में मिलते हैं, ओसिकल का मतलब क्या होता है, छोटी बोन को ओसिकल बोलते हैं, ये बोन छोटी छोटी बोन है, चार चार बोन है, फोर बोन्स है, चार बोन है जिनको बोलते हैं वेबरियन ओसिकल्स, फोर बोन है जिनको वेबरियन ओसिकल बोलते हैं। शुरू में इनको बोलते हैं, जब पूरी तरह से वेबरियन ओसिकल नहीं बना है तब तो शुरू में तो बोलते हैं वेबरियन एपेटस इन अनडेवलप्ड स्टेट, जब वेबरियन ओसिकल बना नहीं है, जब वेबरियन ओसिकल बना नहीं है पूरा तो बोलेंगे वेबरियन एपेटस। और इनको कब बोलेंगे, वेबरियन ओसिकल को बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड स्टेट में, वेबरियन एपेटस जो होता है
ये अनडेवलप्ड स्टेट में बोलते हैं इसको। जब वेब्रेन ऑसिकल डेवलप ना हो तो बोलेंगे वेब्रेन अपरेटस, वेब्रेन ऑसिकल डेवलप हो जाए तो बोलते हैं वेब्रेन ऑसिकल्स। ये चार बोन होती हैं जो जिनको हम वेब्रेन ऑसिकल बोलते हैं। ये किसने इसको डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब बाय वेबर। वेब्रियन ओसिकल की डिस्क्रिप्शन इसको डिटेल में बताया था वेबर साइंटिस्ट ने, जो जर्मनी का एनाटॉमिस्ट है। वेबर साइंटिस्ट जर्मनी का एनाटॉमिस्ट है। एनाटॉमी का एक्सपर्ट है। एनाटॉमी बोलते हैं शरीर के अंदर की स्टडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को बोलते हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन, इनको स्टडी करें तो इनको एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी का एक्सपर्ट था जो वेबर जो था जो। अच्छा, वेब्रेन ऑसिकल में फोर बोन होती है। ये फोर बोन किससे बनती है, इनका सोर्स कहाँ है, कहां से आती है, क्या करती है? वेब्रेन ऑसिकल हम बोलते हैं, जैसे मान लो ये फिश है और ये है ईयर और ये है स्विम ब्लडर। और इनको जोड़ते हैं वेब्रियन ऑसिकल। वेब्रियन ऑसिकल किस किस को कनेक्ट करते हैं? ईयर को, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर होता नहीं फिश में, मिडल ईयर भी नहीं होता, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। इंटरनल ईयर में भी 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। तो इंटरनल ईयर को और स्विम ब्लडर को जोड़ता है वेब्रेन ओसिकल, फोर बोन्स। ये वेब्रेन ओसिकल्स की बोन कहां से आई है तो बोलेंगे, तो जोड़ किस कनेक्ट करता है, कनेक्ट इंटरनल ईयर विद स्विम ब्लडर। वेब्रेन ओसिकल जोड़ेगा ईयर को और स्विम ब्लडर को। कहां से आती है ये बोन्स? ये वर्टिब्री से आई है, कुछ क्रेनियल बोन्स से आई है, क्रेनियल बोन स्कल बोन। वेब्रेन ओसिकल वर्टिब्री से आती है, पहली 4 या 5 वर्टिब्री टूट के वेब्रेन ओसिकल में चेंज हो जाती है। कुछ हमारे स्कल की बोन होती है उनसे भी कुछ पार्ट इनका आता है। जो इनका काम क्या होता है तो हम बोलेंगे आवाज को एम्पलीफाई कर देती है। जो वेब्रेन ओसिकल क्या करती है, साउंड एम्पलीफिकेशन। वेब्रेन ओसिकल क्या करती है, आवाज को तेज करती है, साउंड एम्पलीफिकेशन करती है। अगर इनके पास, बोनी फिश के पास वेब्रेन ओसिकल ना हो तो इनको आवाज बहुत धीरे सुनेगी, बहुत धीरे, ना के बराबर सुनेगी। लेकिन वेब्रेन ओसिकल की वजह से इनको आवाज तेज सुनती है। और इसमें स्विम ब्लडर जो है एक रेजोनेटर की तरह से काम करता है। स्विम ब्लडर रेजोनेटर उसको बोलते हैं जो हिले, जिसमें वेव बने। जो जब कोई आवाज होती है तो रेजोनेटर हिलने लग जाता है, ये स्विम ब्लडर हिलने लग जाता है। जब कोई भी आवाज होगी तो स्विम ब्लडर या रेजोनेटर हिलेगा, इसके हिलने से वेब्रियन ओसिकल हिलेंगे। आवाज आएगी तो स्विम ब्लडर हिलेगा, उसके हिलने से वेब्रियन ओसिकल हिलेंगे और ये आवाज ईयर के पास पहुंचेगी, ईयर से ब्रेन के पास पहुंचेगी। कुछ बुकों ने तो इतना भी लिखा है कि जो बॉयंसी होती है, बॉयंसी या हाइड्रोस्टेसिस, फिश स्विम ब्लडर की वजह से अपने आप को कहीं पे भी रख सकती है। ऊपर रखना हो तो ऊपर, बीच में रखना हो तो बीच में, नीचे रखना हो तो नीचे। फिश जो है स्विम ब्लडर की वजह से अपने आप को कहीं पे भी रख सकती है। इसको पानी में बहने को, डूबना नहीं, डूबने का अपोजिट होता है बॉयंसी। बॉयंसी मतलब डूबना नहीं, ऊपर रहना है। तो फिश अपने आप को ऊपर रखने के लिए बॉयंसी या हाइड्रोस्टेसिस जब करती है तो उसमें भी इस वेब्रेन ओसिकल का थोड़ा बहुत कई साइंटिस्ट मान रहे हैं जो कि
बॉयंसी जो होती है वो स्विम ब्लैडर से होती है, और क्योंकि ये ईयर से कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है, बाद में ईयर से मैसेज ब्रेन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बॉयंसी कंट्रोल है। जो बॉयंसी होती है पानी में ऊपर जाना या नीचे जाना है तो स्विम ब्लैडर की वजह से, लेकिन स्विम ब्लैडर की बॉयंसी कहीं ना कहीं इस ईयर ओसिकल से भी रेगुलेटेड है। बॉयंसी ईयर ओसिकल से भी रेगुलेटेड है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं ये वेब्रियन ओसिकल होते हैं। फिर बताता हूँ वेब्रियन ओसिकल क्या है। वेब्रियन ओसिकल चार बोन है, उनके नाम जरूरत नहीं है, जो उल्टे सुल्टे नाम है कोई किसी बुक ने नहीं लिए तो कोई जरूरत नहीं है, नेट पे तो जरूर दे रखा है जो, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। जो वेब्रियन ओसिकल चार बोन होती है जो स्विम ब्लडर को किससे कनेक्ट करती है, ईयर से कनेक्ट करती है। चार बोन है, वर्टिब्री से ये आई है, आवाज को ये तेज कर देती है, स्विम ब्लडर से आवाज जाएगी इनके पास, इनसे ईयर के पास जाएगी, आवाज तेज हो जाएगी इनसे जो, और इनको जब ये पूरा नहीं बने हुए होते हैं वर्टिब्री से बनते हैं, थोड़े क्रेनियम बोन से बनते हैं, शुरू में इनको वेब्रियन एपेटस बोल देते हैं, बाद में जब पूरा बन जाता है तो उसको वेब्रियन ओसिकल बोल देते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं कार्प के अंदर वेब्रियन ओसिकल मिलते हैं, कार्प के अंदर बारबेल मिले हैं, कार्प के अंदर वेब्रियन ओसिकल भी मिले हैं। अब मैं कुछ कैटफिश के नाम बता देता हूँ, कौन कौन सी फ्रेश वाटर फिश को खाया है। कार्प को खा सकते हैं, लेबियो को खा सकते हैं, कैटला को खा सकते हैं, और एक फिश अलग बताई मैंने वाटर के अंदर, सिरिना को खा सकते हैं, फ्रेश वाटर फिश थी जो खाते थे। सारी कैटफिश को खा सकते हैं हम, जो तो कैटफिश के नाम बता रहा हूँ, कैटफिश जिनको हम खा सकते हैं फ्रेश वाटर की फिश हो। कैटफिश कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर मिलती है, होंगे फ्रेश वाटर जिनके अंदर मैंने कहा है बार्बल्स मिले हैं, और 8-8 बार्बल्स तक मिले हैं, और कैटफिश फ्रेश वाटर में मिलती है, और कैटफिश जो होती है स्केल लेस होती है। कार्प के अंदर तो सिर्फ सिर पे स्केल नहीं थे, इसकी पूरी बॉडी का स्केल नहीं है, स्केल लेस बॉडी है, बॉडी में स्केल नहीं है। तो कैटफिश के नाम लिखा रहा हूं मैं, जो है मिस्टिस, सिंगाला, वालागाना, अट्टू, मिस्टिस सिंगाला, वालागाना, अट्टू, और इसके अलावा हो गई हाइड्रोप मिस्टिस, एंथ्रोपोलिस्टिस, क्लेरियास, ये कैटफिश है, एक रीटा रीटा भी है जो, लेकिन ये जो चार कैटफिश है इनको खाते हैं। ये चार फ्रेश वाटर फिश है, मैंने तीन तो बताई थी जो पोंड के अंदर एक साथ रखते हैं, ऊपर कैटला फिर लेबियो फिश से रीना, तीनों को खाते हैं जो, लेकिन चार कैटफिश है इनके नाम रखने हैं कैटफिश के, मैं पहले बोल रहा हूँ धीरे धीरे याद होंगे, एकदम मैं याद नहीं होंगे इनके, जो तीन चार नाम आज याद करो, तीन चार शाम को याद करो, फिर सुबह करो, दोपहर में करो, टाइम मिले तभी तीन तीन चार चार नाम याद कर लो फिश के जो। तो मिस्टिस सिंगाला, इसको सिंगारा गाथ मैंने जो, इसको खाते हैं, इसको फ्रेश वाटर शार्क भी बोलते हैं, फ्रेश वाटर शार्क, किसको, वालागाना अट्टू को, जिसको मूली भी बोलते हैं जो, और हाइड्रोमिस्टिस को सिंगी बोलते हैं। तो ये कैटफिश है, इनको हम खाते भी हैं जो है, एडिबल फिश है। तो ये थी फ्रेश वाटर की फिश, और लेते हैं फ्रेश वाटर की फिश कौन कौन सी, कुछ फ्रेश वाटर की फिश और लेते हैं, एक होती है एंगुला, ये स्नेक लाइक होती है, ईल बोलते हैं इसको, स्नेक लाइक होती है, इसका लार्वा लैक्टोसिफेलस है, लार्वा लैक्टोसिफेलस है जो ट्रांसपेरेंट होता है,
इसलिए इसके अलावा वो ग्लास फिश बोलते हैं। एंगुला एक फिश है जो मैंने बताया था, टेट्राडोनगस बताई थी मैंने। एंगुला एक फिश है जो कैटाडोमस है, इसका मतलब ये फ्रेश वाटर की फिश है। एंगुला एक फ्रेश वाटर की फिश है, पोंड वगैरह रिवर वगैरह की फिश है। और इसका लार्वा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसके लार्वा को बोलते हैं ग्लास फिश, ग्लास जैसी फिश। जो इसको मैंने डायग्राम अगर बनाए तो इस तरह से होता है इसका डायग्राम। ये एंगुला ऐसे होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो डोर्सल फिन होती है, नीचे की एंगल फिन होती है और इसकी कॉडल फिन होती है। इसकी डोर्सल फिन, एंगल की एंगल और कॉडल फिन तीनों कनेक्टेड है, तो इसलिए बीच में इसका सारा पीछे का हिस्सा फिन से कवर्ड है एंगुला के अंदर। अच्छा, इसको स्नेक लाइक लग रही है जो ये जो फिश जो है एंगुला जो है, क्योंकि मैंने इसको कैटाडोमस कहा है। कैटाडोमस वो होते हैं जो रहते हैं फ्रेश वाटर में, सी में जाते रिप्रोडक्शन करने के लिए। एंगुला फ्रेश वाटर में रहती है, सी में जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। पता है कितने किलोमीटर चली जाती है रिवर से सी के अंदर? 5000 किलोमीटर लगभग, कई जगह 4500 किलोमीटर लिखा है, 4500 के आसपास में लिखा हुआ है, 4500 किलोमीटर। चलो 4500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर दूर चली जाती है, कब? रिप्रोडक्शन करने के लिए जाती है। कैटाडोमस है, रहना तो फ्रेश वाटर में, रिप्रोडक्शन करने के लिए सी में जाना है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सी में बहुत दूर चली जाती है, फिर काफी ज्यादा डेप्थ में चली जाती है, फिर क्या करती है? रिप्रोडक्शन करके बाद मर जाती है। जैसे साइक्लोस्टोम का अडल्ट कहां मरा था? फ्रेश वाटर में मरा था, क्योंकि वो एनाडोमस था। ये कैटाडोमस है, सी में जाकर मरेगी। तो आफ्टर एंगुला फिश क्या करेगी? आफ्टर स्पानिंग जो पेरेंट है डाई हो जाते हैं। जिस तरह से सी लैम्प्रे सी में होता था अडल्ट, रिप्रोडक्शन करने के लिए मरने के लिए जाता था फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन करके मर जाते थे, अडल्ट मर जाता था, और लार्वा फिर सी में आता था। इसमें उल्टा है, ये कैटाडोमस है, इसमें एनिमल फ्रेश वाटर में जाएगा रिप्रोडक्शन में मरने के लिए सी में जाएगा और लार्वा फिर वापस आ जाएगा। जब एनिमल फ्रेश वाटर में रहे सी में रिप्रोडक्शन के लिए जाए तो कैटाडोमस होता है, एनिमल सी में रहे फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन करने के लिए जाता है तो एनाडोमस होता है। रिप्रोडक्शन के बाद मरना है तो कैटाडोमस जाएगा सी में मरने के लिए, एनाडोमस आएगा फ्रेश वाटर में मरने के लिए, मरना और रिप्रोडक्शन एक साथ करेंगे जो। तो इस तरह से ये एंगुला होता है, और इसका लार्वा जो होता है लेप्टोस्पोरस बाद में चिल हो जाता है एक स्टेज में, एल्वर स्टेज। लेप्टोस्पोरस लार्वा जो बनेगा सी के अंदर वो एल्वर स्टेज में चेंज हो जाएगा और फिर वो फ्रेश वाटर में आ जाएगा जो। इस तरह से हम बोलते हैं एंगुला होती है जो फिश जो है एंगुला। इसके अलावा मैं लाइट ऑन कर देता हूं। इसके अलावा और क्या होता है? एंगुला भी हो गई, इसके बाद आते हैं क्लेरियास। इसको अभी मैंने कैटफिश में दिया था, क्लेरियास कैटफिश के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। ये कार्निवोरस होती है और गिल्स की जगह सांस लेने के लिए आर्बो डिसेंट ऑर्गन होता है, या डेंड्री फॉर्म ऑर्गन्स होता है। क्लेरियास कैटफिश जो होती है कार्निवोरस होती है, और इसमें रेस्पिरेशन करने की गिल्स तो होती है लेकिन एक अलग ऑर्गन होता है आर्बो डिसेंट या डेंड्रो
डेंड्री फॉर्म ऑर्गन, हम उन फिश को लाइव फिश बोलते हैं, उन फिश को लाइव फिश बोलते हैं जो हवा में रह जाए कुछ समय के लिए, जो फिश हवा में रह जाए कुछ समय के लिए उनको लाइव फिश बोलते हैं। तो क्लेरियास जो फिश है, हम जो बाहर हवा में रह जाए उनको लाइव फिश बोलते हैं। क्लेरियास एक लाइव फिश है क्योंकि इसके पास एयर में सांस लेने के लिए ऑर्गन है, एयर ब्रीथिंग ऑर्गन है, एयर ब्रीथिंग ऑर्गन है, सांस हवा में लेने के लिए इसके पास है। तो ये भी लाइव फिश है क्लेरियास की। और लाइव फिश कौन सी होती है क्लेरियास के अलावा, हेट्रोग्नोस्टिस, ये भी कैटफिश थी, हेट्रोग्नोस्टिस कैटफिश थी, इसने स्विम ब्लैडर बनाया था रेस्पिरेशन करने के लिए, हेट्रोग्नोस्टिस में स्विम ब्लैडर बनाया था रेस्पिरेशन करने के लिए, ये भी लाइव फिश होगी। फिर जो इसके अलावा एनाबास, ये मैंने पहले बता दिया एनाबास के बारे में, इसका ऑर्गन भी बताया था जो एयर में सांस लेने में हेल्प करता है, इसको क्लाइंबिंग पक्ष कहा था हमने, एनाबास क्लाइंबिंग पक्ष बोलते हैं, पक्षी इसको उठाकर पेट में रख देते हैं, एनाबास क्लाइंबिंग पक्ष को, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन था लेवेंटाइन ऑर्गन, एनाबास के अंदर होता है लेवेंटाइन ऑर्गन रेस्पिरेशन करने के लिए होता है। तो ये लाइव फिश है। क्लेरियास कैटफिश के पास भी सांस लेने के लिए गिल्स के अलावा एक ऑर्गन है जो हवा में सांस ले सकता है, कार्बो रिसेप्टर ऑर्गन या डेंड्रिफॉर्म ऑर्गन। हाइड्रोग्नोस्टिस हवा में सांस लेने के लिए, इसके पास स्विम ब्लैडर होता है। एनाबास के अंदर हवा में सांस लेने के लिए लेवेंटाइन ऑर्गन होता है। अच्छा, और इसके अलावा एक चन्ना फिश होती है जो, इनमें भी सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, हवा से सांस लेने में ऑर्गन होता है। तो ये सारी फिश आ गई इसमें। अब आगे देखते हैं जो है, ये फ्रेश वाटर की फिश ली है अभी मैंने जो है, सी वाटर की फिश के नाम और ले लो, मैंने एक लिखवाई थी फिर मैं लिखवा देता दोबारा से। सी वाटर की फिश है कौन कौन सी जिसको खाते हैं, ये मैंने करवा लिया फिर ले लो जो एडिबल सी वाटर फिश, सी वाटर की फिश को खाते हैं तो हम बोलेंगे एक तो है एजोसिटस, जिसको फ्लाइंग फिश बोलते थे, उड़ती नहीं है हवा में, हवा में कुछ समय के लिए रहती है, 6 मीटर तक ऊपर रह सकती है। तो बोनी फिश है, होमोसाइकल फिन होगी, लेकिन ये फिंस इसकी काफी बड़ी होती है, ये और इस फिश का नाम है, ये एजोसिटस फिश है और ये पेक्टोरल फिंस है। जितने भी कैट फिश थी उनको खाते थे वो फ्रेश वाटर फिश थी, ये सी वाटर की फिश है जिनको खाते हैं। एजोसिटस को फ्लाई फिश का फ्लाई करती नहीं है बोलते हैं, हवा में रहती काफी लंबे समय तक, जब वो जंप मारती है तब 6 मीटर तक जंप मारती है। तो पेक्टोरल फिंस जो होती है इसकी बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से ये हवा में जंप मारती है, तो इसको भी खाया जाता है, एजोसिटस फिश को खाया जाता है। जो हिल्सा जो नेशनल फिश है, नेशनल फिश है बांग्लादेश की, इसको भी खाया जाता है, पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट और इसको स्टोमेटिन भी बोलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है, मोस्ट कॉमनली फिश, मोस्ट कॉमनली एडिबल फिश ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फिश है। हार्पोडोन मैंने लिखवा दिया था फिर लिखा देता हूं, बॉम्बे डक बोलते हैं, इसको भी खाते हैं, डक नहीं है ये फिश है, ये सब मैंने लिखवा रखे हैं जो, फिर दोबारा से एक बार मैंने बताना पड़ गया इनको खाते हैं। तो ये सी वाटर की फिश है जिनको खाते हैं। सालमोन को तो एक्जोटिक फिश भी बोलते हैं जो, सालमोन और गैम्बुजिया, गैम्बुजिया और सालमोन, सालमोन
सालमोन फिश, एक्जोटिक फिश होती है जो बाहर से आई, दूसरे कंट्री से आई हो, दूसरे कंट्री से आई उसको एक्जोटिक फिश बोलते हैं। सालमोन भी है, गैम्बुजिया, गैम्बुजिया फिश मॉस्किटो को खाती है, मॉस्किटो साइडल फिश है जो हमारे को पता है। अगर मलेरिया ज्यादा फैल जाए तो पोंड के अंदर लार्वा होते हैं मॉस्किटो के, उनको मारने के लिए हम गैम्बुजिया फिश छोड़ देते हैं। जो गैम्बुजिया फिश को छोड़ेंगे तो मॉस्किटो को लार्वा को खा जाएगी और मलेरिया कंट्रोल में आ जाएगा। मलेरिया क्या, हर वो डिजीज जो मॉस्किटो से स्प्रेड होती है कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि मॉस्किटो की लार्वा खाती है। तो गैम्बुजिया मॉस्किटो की लार्वा खाती है और इसलिए मॉस्किटो की लार्वा मर जाएंगे तो वो डिजीज अडल्ट नहीं बनेंगे और डिजीज का स्प्रेडिंग रुक जाएगा जब गैम्बुजिया के अंदर। तो ये एक्जोटिक फिश भी आती है, बाहर से आएंगे। अच्छा, आइसिंग ग्लास क्या होता है? क्या होता है आइसिंग ग्लास? ये इसमें 90% जिलेटिन होता है, काफी ज्यादा कोलाजन प्रोटीन होती है। इन आइसिंग ग्लास, आइसिंग ग्लास एक केमिकल होता है जिसमें 90% एक केमिकल होता है जिलेटिन, बहुत ज्यादा होते हैं कोलाजन प्रोटीन, जिलेटिन और कोलाजन प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है आइसिंग ग्लास के अंदर। निकलता है किससे? ऑब्टेन फ्रॉम स्विम ब्लडर। आइसिंग ग्लास स्विम ब्लडर से निकलता है, पहले स्विम ब्लडर को सुखाते हैं फिर निकालते हैं, फिश को मार के स्विम ब्लडर निकाल लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसमें से ये आइसिंग ग्लास निकालते हैं। शराब को साफ करने में ये यूज होता है, शराब को साफ करने को बोलते फाइनिंग या क्लेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल या बियर वाइन जो भी बोलना चाहो। बियर शराब है, वाइन शराब है, इसको जब साफ करते हैं इसमें गंदगी ना रहे तो फाइनिंग या क्लेरिफिकेशन बोलते हैं उसको। शराब की फाइनिंग या क्लेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आइसिंग ग्लास का यूज होता है। इस आइसिंग ग्लास के यूज की वजह से कुछ लोग जो हर्बीवोर्स होते हैं इस शराब को नहीं पीते, क्योंकि ये तो एनिमल का प्रोडक्ट है। आइसिंग ग्लास एक एनिमल प्रोडक्ट है और इसकी वजह से, एनिमल प्रोडक्ट की वजह से कुछ हर्बीवोर्स पर्सन जो है वो इसको नहीं खाते हैं, कुछ हर्बीवोर्स आदमी इसको नहीं खाएंगे जो इस आइसिंग ग्लास होने की वजह से। शराब पी उसमें आइसिंग ग्लास जाएगा वो तो स्विम ब्लडर जाने वाला फिश का प्रोडक्ट है, तो उसको हर्बीवोर्स नहीं खाएंगे जो। इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए, आइसिंग ग्लास को रिप्लेस करने के लिए कारागिनिन यूज कर सकते हैं। कारागिनिन एक केमिकल है, प्लांट का प्रोडक्ट है, इसका यूज कर सकते हैं। जो काम आइसिंग ग्लास करेगा वही कारागिनिन करेगा। जो ये रेड एल्गी से निकलता है, जो कारागिनिन जो है रेड एल्गी से निकलता है, रेड एल्गी का नाम है कॉनरस, एक रेड एल्गी है कॉनरस या आइरिस मोस, रेड एल्गी है कॉनरस या आइरिस मोस, रेड एल्गी है कॉनरस या आइरिस मोस, उससे केमिकल निकलता है कारागिनिन। ये वही काम करेगा जो आइसिंग ग्लास करेगा जो, तो इस वजह से आइसिंग ग्लास को हम यूज कर सकते हैं। पुराने टाइम में इसमें अंडे भी रखते थे आइसिंग ग्लास के अंदर, जो फ्रेश एग्स वर प्रिजर्व, पुराने टाइम में अंडों को प्रिजर्व करने के लिए भी आइसिंग ग्लास का यूज होता था। जो है थोड़ा बहुत इसे गम या गोंद वगैरह भी बन जाता है, गम वगैरह भी इससे बन जाता है। तो ये था आइसिंग ग्लास के ऊपर जो है। और अब मैं लेता हूं अगला टॉपिक, मैं देख लेता हूं कितना टाइम हुआ है, उसके बाद मैं देखता हूं।